नासदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत् नहीं था असत् भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था संदेश लेकर उज्जैन से दो भिक्षु आए उनसे कहो प्रतीक्षा करें ऐसा कैसा संदेश जो इतने मधुर संगीत में विघ्न डाले संगीत बाद में पहले हम उनकी बात सुनेंगे कोई महत्वपूर्ण संदेश हुआ तो फिर दूसरा राग तो सुनने भिक्षुओं को आदर सहित ले आओ जी महाराज वाह क्या दृश्य है सुबह इनके दर्शन हो जाएं तो दिन भर भोजन का दर्शन ना हो पुण्य आत्माओं को प्रणाम सुख विहार जी कैसे हैं क्या संदेश भेजा है महाराज के लंबे जीवन की कामना के साथ श्रेष्ठी सुखविहार ने संदेश भेजा है कि सांची में विहार का कार्य अब समाप्ति की ओर है निर्माण संपूर्ण होने पर भिक्षुओं को भोज और वस्त्रादि देने का आयोजन किया है हमसे क्या अपेक्षा है यही कि इनके आयोजनों प्रयोजनों में होने वाला व्यय महाराज वहन करें और ये लोग मौज करें ठीक है ना नहीं श्रीमान श्रेष्ठी सुखविहार ने केवल संदेश ही भेजा है कुछ लेकर आने को नहीं हाँ ऐसा महत्वपूर्ण संदेश न मिलता तो राजकाज ही रुक जाता इसकी बातों पर ध्यान न दीजिए आपके आने से इसके आनंद की मात्रा अधूरी रह गई है इसलिए विचलित है इस अपराध के लिए क्षमा उज्जैन में क्षेत्रपाल के रूप में संघ ने महाराज को अपना हितैषी पाया था सम्राट के रूप में भी महाराज के मन में संघ के प्रति ऐसा ही स्नेह भाव होगा ये मानकर हम यहाँ आए थे तब तो अवश्य ही तुमने ये पुराना गीत सुना होगा मदिरा का एक घूंट बहुत कराम आती माह के पत्नी कुछ याद नहीं आती बहुत कराम आती महलों में जीवन भर सुख पाया है जीवन भर
वही महल पत्तों की कुटिया बन जाती, पोखर भी यों दिखता, सागर हो लहराता, कूदो तो कीचड़ में मुइयां सन जाती, बहुत करामाती, मदिरा का कहां अंत, मस्ती का नित बसंत, राजा भी लगता है लंगोटिया साथी, बहुत करामाती। महाराज का समय नष्ट करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं और वापस जाने की आज्ञा भी। जैसी आपकी इच्छा, श्रेष्ठ जी सुख विहार से कहिएगा, विहार के विषय में जानकर प्रसन्नता हुई। कहीं के मेरी समझ में यह नहीं आता है कि ये लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं। ना काम ना धाम, औरों का खाना औरों का पहनना, और मुंह ऐसा लटकाया हुआ है जैसे कि प्रलय ही आने वाली हो। मैं होता इनके स्थान पर तो ना अपनी चिंता करता ना जग की, खूब खा पी कर मौज मस्ती करता है दिन रात, और एक ये लोग हैं और क्या। व्यर्थी महाराज इन लोगों को मुंह लगाते हैं। अरे किस्सा, कई बार देखने को मन होता है कि सिंहासन पर बैठे तुम कैसे लगोगे। क्यों, कभी महाराज बाहर गए तो शासन तो तुम्हें संभालना होगा ना। बैठो, एक बार बैठ के देख लो। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसकी गद्दी आरामदायक है। अब बिना बैठे कैसे पता चलेगा, एक बार बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तुम हट करते हो तो हम बैठ जाते हैं। मेरा अनुमान सही था, कोई विशेष आरामदायक नहीं है। कैसा लग रहा हूं? एकदम महाराज की तरह। जैसा तुम यहां राज सिंहासन पर। जी भैया, वो तो तुम्हारे मन की गहराई में दबी हुई सम्राट बनने की भावना सतह पर आ ही गई। मुझे पहले से ही संदेह था, अब तो इसका प्रमाण भी मिल गया है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया, मैंने तो राधागुप्त के कहने पर। राधागुप्त? जी महाराज। तो इसका क्या कहना है? महाराज आप ही सोचिए, मैं कैसे कह सकता हूं। सुना तिस्सा, राज सिंहासन का अपमान राजद्रोह से कम नहीं, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अरे दया करो भैया, दया करो भैया, ये राधागुप्त झूठ बोल रहा है। इन्होंने ही मुझे उकसाया था कि तुम्हें सम्राट बनना चाहिए। धिक्कार है तुम पर विश्वास किया, तुम्हें अपना समझा, मूर्खता थी मेरी। अच्छा हुआ तुम्हारे षड्यंत्र की पोल जल्दी ही खुल गई। राधागुप्त। जी महाराज। तिस्सा को सूली पर लटकाने का प्रबंध किया जाए। दया करो भैया, भैया दया करो। महाराज तिस्सा आपका भाई है। नादान है, भूल हुई, इतना कठोर दंड न दीजिए महाराज, दया कीजिए। एक राजद्रोही को दया की अपेक्षा नहीं, इसे मृत्यु दंड ही मिलेगा। नहीं भैया, नहीं। महाराज देश निकाला दीजिए। नहीं, इसे मरना ही होगा। महाराज एक बार फिर से विचार कीजिए। ठीक है,
मैं सम्राट बनने की इसकी इच्छा पूरी करता हूं। उठा। ऊपर देखो। एक सप्ताह के लिए तुम सम्राट हो, जितना चाहे भोग विलास करो, संगीत नृत्य का आनंद लो। आज के आठवें दिन तुम्हें मृत्यु का आलिंगन करना होगा। अरे लोग तो एक दिन का सम्राट बनने के लिए हंसते हंसते अपनी जान देते हैं। तुम्हारा सौभाग्य है, इस सप्ताह तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। बधाई हो। महाराज, राग रंग का पूरा प्रबंध कर दिया गया है। एक हफ्ते की अवधि पूरी हुई दिशा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा राधागुप्त। मूर्ख था मैं जो तुम्हारी बातों में आ गया। पूरे सप्ताह एक पल के लिए भी नहीं सो पाया, एक भी चैन की सांस नहीं मिली। क्यों? तुम्हारी सेवा में तो राज्य के सर्वश्रेष्ठ नर्तक और गायक थे। नर्तक मित्र करके और गायक गाकर चले गए, कुछ देखा न सुना। हर पल मृत्यु के विषय में सोच सोच मरता रहा। महाराज, शिक्षा मिल गई है। दिशा, उन भिक्षुओं का स्मरण है जिन्हें देखकर घृणा से मुंह फेर लिया था तुमने, और तुम ये जानना चाहते थे कि उत्तरदायित्व से मुक्त रहकर भी ये लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं। क्योंकि वो कभी भूलते नहीं कि एक ना एक दिन सबको मर जाना है। सांसारिक भोग विलास मिथ्या है, परोपकार ही जीवन है। मैं यही शिक्षा तुम्हें देना चाहता था जो तुम्हें मिल गई है। तुम स्वतंत्र हो। तो मुझे मरना नहीं होगा।
आज तो नहीं, किंतु एक ना एक दिन तो मरना ही है। एक ना एक दिन तो मर जाना ही होगा। इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कुछ करना ही होगा। तुम तो गंभीर हो गए। मुझे जाना है। कहां जाओगे? उन भिक्षुओं से क्षमा मांगने। स्वयं भिक्षु बनने। राजप्रसाद छोड़कर जाओगे? सत्ता से दूरी रहूं तो अच्छा है। पता नहीं मन में खोट आ सकती है। कैसी बातें करते हो तिस्सा? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। किंतु मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं। मन की दुर्बलता ठग सकती है। महारानी से आज्ञा नहीं लोगे? उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा और उन्हें कहिएगा कि मैं अपने मन से गया, मन की मुक्ति के लिए। जाने की ठान ली है तो जाओ तिस्सा, जब चाहो वापस आ जाना। राजप्रसाद और हमारे मन के द्वार सदा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। गुप्त, वाणिज्य अधीक्षक की सूचना चिंता का विषय है। दक्षिणी प्रदेशों के व्यापार और प्रदेश में निर्यात से मिलने वाला राजस्व इस बार बहुत ही कम है। एक और सूचना है महाराज। कलिंग से हमारे दुर्गपाल ने सूचित किया है कि वहां के गण समय समय पर हमारी सीमा चौकियों पर आक्रमण करते रहते हैं और हमारे व्यापार का प्रमुख मार्ग भी कलिंग से ही होकर जाता है। महाराज, उज्जैन के श्रेष्ठी सुख बिहार आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज की जय। आइए श्रेष्ठी सुख बिहार। राज्य में व्यापार की बिगड़ती हुई स्थिति पर ही चर्चा हो रही थी। इस समस्या को समझने और इसका हल खोजने में आपसे कुछ सहायता ही मिलेगी। इसी कारण आपको कष्ट देने आया हूं महाराज। तो आप खड़े क्यों हैं विराजी? महाराज, कलिंग के गण ही इस समस्या की जड़ हैं। उन्होंने हमारे कई व्यापारी दलों पर आक्रमण करके उन्हें तहस नहस कर दिया और जो बचे उन्हें भारी कर चुकाना पड़ा। कर? किस बात का? उस मार्ग से आने जाने का। इतना साहस? हाँ महाराज, व्यापारियों ने निर्यात से हाथ खींच लिया है। यदि शीघ्र ही कुछ न किया गया तो स्थिति और भी बिगड़ेगी। किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता? गण बहुत ढीठ है महाराज, राज का आधिपत्य उन्हें स्वीकार नहीं है। तो व्यापार मार्ग को बचाना होगा। कैसे? उन्हें पराजित करके। तो क्या युद्ध करना होगा? और कोई चारा नहीं है महाराज। ठीक है, गण हमारे सैन्य बल के आगे कितनी देर तक टिक पाएंगे? ऐसी बात नहीं है महाराज, पूर्वी गण समूह में एकता होने के कारण उनकी शक्ति बढ़ गई है। यदि वो अलग अलग समूह में बंटकर अलग अलग जगहों से हम पर आक्रमण करेंगे तो हम उन्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। और फिर महाराज, कलिंग की प्रजा उन्हें शरण देना पुण्य का काम समझती है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। मेरी एक योजना है। कहो। यदि हम कलिंग से अपने दुर्गपालों को हटा दें और यह समाचार फैला दें कि हमारी सेना में फूट पड़ गई है, यह जानकर गण आक्रमण करने के लिए उतावले हो जाएंगे और फिर हम उन्हें
संगठित रूप से युद्ध करने के लिए उकसाएं और वो हमारी सुविधा अनुसार युद्ध करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी महाराज, और उनकी सम्मिलित शक्ति हमारी सेना के सामने टूट जाएगी। यदि पहली मुठभेड़ के बाद वो अलग अलग समूहों में बिखर गए तो यह स्थिति नहीं आएगी महाराज। हमारी सेना आगे बढ़ते हुए गांवों को, फसलों को नष्ट करती जाएगी, कुओं को विषाक्त करती जाएगी और उसके बाद एक साथ मिलकर उन पर टूट पड़ेगी। भूखे प्यासे गण कब तक लड़ेंगे महाराज? उपयुक्त योजना है, युद्ध की तैयारी करो। घर में सब कुशल मंगल तो है? देवी और बच्चों का क्या हाल है? नहीं नहीं उठो मत। मैं ठीक हूं महाराज। राजवैद ने तुम्हें विश्राम करने के लिए कहा, चिंता मत करो, इस बार सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मुक्त होकर युद्ध पर जाइए और विजयी होकर लौटिए। किस्सा यहां होता तुम्हारे पास तो? हाँ, पता लगा कि 3-4 माह की तप साधना के बाद पास किसी पहाड़ी के कंदरा में रहते हैं वो। कई बार बुलवा भेजा, आए नहीं। उसे वही रहने दो, जब मन होगा आ जाएगा। अच्छा, मुझे विदा करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, राजवैद जो कहे वही करना। आप निश्चिंत होकर जाइए। ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। कर शत्रु के 1,00,000 सैनिक मारे गए, कई लाख घायल हुए। निर्वासित लोग राज्य की प्रति भूमि पर खेती बाड़ी करने के लिए भेज दिए गए। कलिंग में स्वाधीन गणों का कोई अस्तित्व नहीं रहा, अब वो सम्राट के अधीन है। कलिंग के युद्ध में महाराज को संपूर्ण विजय प्राप्त हुई है। महाराज, गर्भ में शिष्य की मृत्यु हो गई थी। ईश्वर ने चाहा तो अगली बार नहीं, अब कभी नहीं। राजवैद का कहना है कि अब मैं गर्भधारण नहीं कर सकती। कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा, तुम दुखी मत हो। मुझे बच्चे का दुख नहीं, आपके वापस सुरक्षित आने का सुख है। कैसा सुख? हमारा बच्चा नहीं रहा, लगता है मैं ही उसका उत्तरदायी हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसी बातें मन में ना लाए। क्या हुआ जो मैं अपनी कोख से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? आप कहें तो हम रानी पद्मावती के पुत्र कुणाल को गोद ले लें, मैं उसे पाल पोस करके बड़ा करूंगी, वही आपका उत्तराधिकारी भी होगा।
बच्चे की मृत्यु से मैं सचमुच बहुत दुखी थी। इसा के पास गई, आकांक्षाओं, इच्छाओं और मनुष्य की प्रवृत्ति के विषय में बातें की। उनकी बातों से बहुत शांति मिली, मेरे मन की पीड़ा कम हुई। क्यों ना आप भी जाकर के तिस्सा से मिले, पवित्र आत्मा है वो। जय हो महाराज। जय विजय अपशब्द जैसे लगते हैं। अच्छा किया तुम चले आए, मन की शांति तो मिली। इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी इतना अशांत, क्या बात है भाई? तुम ही बताओ तिस्सा, क्या मेरे बच्चे की मृत्यु दैवी प्रकोप के कारण हुई कि मुझे मेरे पापों का दंड मिल जाए? कैसे पाप? लाखों सैनिकों के रक्त से हाथ सने हैं मेरे, क्या मृत आत्माएं मुझे दंड देना चाहती हैं? देख रहा हूं कि पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं आप। अच्छा है अभी तक आत्मा मरी नहीं। भाई अशोक, आप अपने बच्चे की मृत्यु के उत्तरदायी नहीं, किंतु उन लाखों सैनिकों की मृत्यु के उत्तरदायी अवश्य हैं। मैं क्या करता, साम्राज्य की रक्षा के लिए करना पड़ा। साम्राज्य? गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस राजा ने धरती का एक टुकड़ा जीत लिया है वो दूसरा भी जीतना चाहेगा। सारी धरती जीतने के बाद वो आकाश पर राज करना चाहेगा। इसी प्रकार मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, अधूरी इच्छाएं ले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और साथ में कुछ नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अशोक, मुट्ठी बांधे आना है, हाथ पसारे जाना है। मैं क्या करूं मेरे भाई? गौतम बुद्ध के शरण में आ जाइए, इसी में आपकी मुक्ति है। एक योद्धा के जीवन कर्म और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में विरोधाभास है तिस्सा। सम्राट के रूप में मेरे कुछ कर्तव्य हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा, सबको समान समझो, सबसे प्रेम करो, क्या यह शिक्षा मुझे
अपराधियों को दंड देने की अनुमति देगी? क्यों नहीं, दंडनीय को दंड और प्रशंसनीय को प्रशंसा मिलनी ही चाहिए। अपराधी को दंड राजा की भावना के कारण नहीं, उसके दुष्कर्मों के कारण मिलता है। और युद्ध में हुआ रक्तपात अकारण है तो निंदनीय है, किंतु शांति स्थापित करने के सभी प्रयत्नों के बाद यदि कोई राजा युद्ध में उतरता है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस स्थिति में वो शत्रुओं के हाथ मारा भी जा सकता है। यदि वो विजयी होता है तो उसे सांसारिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता को नहीं भूलना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उसकी विजय भी नहीं। एक ही उपाय है, स्वयं को शांत रखकर अपने मन से घृणा निकाल दें, विरोधी को अपने बराबर का स्थान देकर कहें आओ आओ हम शांति से रहेंगे, भाई बनकर रहेंगे। अशोक, कलिंग के युद्ध में आपको महान सफलता प्राप्त हुई है, किंतु जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो यह सफलता महानतम होगी। तुमने सत्य के सत्व को पा लिया है तिसा, तुम मेरे साथ वापस राजप्रसाद चलो, मेरे गुरु बनकर। नहीं, यह संभव नहीं है मेरे लिए, ना मैं इस योग्य ही हूं। चौमासा बीत चुका है, अब भ्रमण करना होगा। भ्रमण के लिए बाद में चले जाना, अभी मेरे साथ राजप्रसाद चलो। गौतम बुद्ध ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं, उनका पालन करना ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एक भिक्षु का जीवन जी सको तो चलो, पेट की आग बुझाने के लिए भिक्षा मांग सको तो चलो, धरती को बिछोना मानकर आकाश ओढ़ सको तो चलो, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर। बस तिस्सा, मैं चलूंगा। ऐसे कैसे चले जाएंगे महाराज, आप सम्राट हैं, आपका काम है राज करना, भिक्षु बनकर यहां वहां भटकना नहीं। कलिंग युद्ध ने कई प्रश्नों का जन्म दिया है राधा गुप्त, मैं उनके उत्तर पाना चाहता हूं, और वो राजप्रसाद में बैठकर नहीं मिल सकते। और साम्राज्य का क्या होगा? चिंता की क्या बात है, साम्राज्य सुरक्षित है, राज सिंहासन सुरक्षित है, शत्रुओं का नाश हो चुका है। कौन कह सकता है, शत्रु की पहचान तो उसके प्रकट होने पर ही होती है। समय समय पर शत्रु का नाश करना आवश्यक हो जाता है सम्राट के लिए। उसके लिए तुम हो ही, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वो तो ठीक है महाराज, किंतु इस प्रकार छोड़कर चले जाना अन्याय होगा। यह सत्य है कि युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, भयंकर विनाश हुआ, किंतु क्षत्रिय का हृदय तो वज्र समान है, नैतिकताओं की गर्मी से पिघलता नहीं महाराज। और फिर नैतिकताओं का कोई स्थायी धर्म नहीं है, उनकी व्याख्या पर मत जाइए। जो कर्म एक स्थान पर नैतिक है वही कर्म दूसरे स्थान पर अनैतिक हो सकता है। कर्म की संगति असंगति में समय और स्थान की बहुत बड़ी भूमिका है महाराज। मानवता की रक्षा के लिए किया गया रक्तपात भी पुण्य का काम है। किंतु भविष्य का क्या होगा, क्या होगा हमारा अंत? भय भ्रम और आत्मशंकाओं से घिरे साम्राज्य के मोह में जकड़े हुए दो बूढ़े, यही ना? फिर भी महाराज मेरी विनती है, आप मत जाइए, हम सब हैं यहां आपकी सहायता के लिए। मैं स्वयं ही जानना चाहता हूं प्रश्नों के उत्तर, और कोई उपाय नहीं, मुझे जाना ही होगा। किंतु महाराज ऐसे कई विषय हैं जिन पर आप ही निर्णय ले सकते हैं, इसलिए राजधानी और आपके बीच में एक संचार व्यवस्था का होना आवश्यक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारा क्या सुझाव है? मेरे विचार से धावक और अश्वरोही ठीक है, किंतु सावधान रहना। किस्सा को मेरा स्नेह दीजिएगा महाराज।
राज सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष बाद सम्राट प्रियदर्शी ने कलिंग देश पर विजय प्राप्त की, जिसमें 1 लाख सैनिक मारे गए, 1.5 लाख लोग निर्वासित हुए और लाखों की संख्या में लोग बुरी तरह घायल हुए। कलिंग को साम्राज्य में मिलाने के बाद सम्राट प्रियदर्शी ने सच्चे मन से धर्म को अपना लिया, धर्म की इच्छा की, धर्म की शिक्षा दी। कलिंग के युद्ध से सम्राट प्रियदर्शी को बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि जब भी किसी स्वतंत्र देश को विजित किया जाता है तो रक्तपात, मृत्यु और लोगों के निर्वासन से सम्राट प्रियदर्शी को बहुत दुख होता है, उनके मन पर आघात लगता है। इससे भी अधिक संताप सम्राट प्रियदर्शी को वहाँ के निवासियों को देखकर होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या श्रमिक, अन्य गण के हो या गृहस्थ, सभी को हिंसा, हत्या और अपनों से बिछुड़ जाने के दुख से जूझना पड़ता है। या वो लोग जो सौभाग्यवश बच जाते हैं, युद्ध का पार्श्विक प्रभाव भी जिनके मन का स्नेह दीप नहीं बुझा पाता, उन्हें भी अपने मित्रों, परिचित जनों, सहकर्मियों और संबंधियों के दुर्भाग्य को भोगना पड़ता है। ऐसी पीड़ा में सभी मनुष्यों का सहभागी होना सम्राट प्रियदर्शी के मन का बोझ बन जाता है। धर्मोपदेश का ये शिलालेख स्थापित करने का कारण है कि मेरे होने वाले किसी भी पुत्र या पौत्रों के मन में अन्य देशों को जीतने की भावना न उत्पन्न हो। वो जो भी विजय प्राप्त करें, धर्म और अल्पदंड से ही प्राप्त करें। सम्राट प्रियदर्शी समस्त गणों, योगियों और जनसाधारण का उनके स्वाभाविक गुणों और मान्यताओं सहित आदर करते हैं। सम्राट प्रियदर्शी के विचार से गुण और सम्मान से भी अधिक सभी संप्रदायों में निहित शिक्षा की प्रगति का महत्व है। यह शिक्षा कई रूप धारण करती है, किंतु इसका आधार है वाणी पर नियंत्रण, जिससे प्रतिकूल अवसरों पर हम अपने संप्रदाय की अत्यधिक प्रशंसा या दूसरे की निंदा ना करें, जिससे हम संप्रदाय का प्रभाव बढ़ा सके और दूसरों को लाभ भी पहुंचा सकें। सम्राट प्रियदर्शी की यही इच्छा है कि समस्त संप्रदायों में पर्याप्त ज्ञान हो और ऐसी शिक्षा दी जाए जो कल्याणकारी हो। सम्राट प्रियदर्शी के साम्राज्य में यहाँ तक कि चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, सुदूर, सिंहल और यूनानी राजा एंटीयोकस के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हर स्थान पर 2 आरोग्य सेवा केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। मनुष्य और पशुओं के उपयोग के लिए जड़ी बूटियाँ उन स्थानों पर भी उगाई जाने लगी हैं जहाँ पहले वे नहीं पाई जाती थी। मनुष्य और पशुओं के उपयोग के लिए मार्गों के किनारे कुएं खुदवा दिए गए हैं और वृक्ष भी लगा दिए गए हैं। सम्राट प्रियदर्शी के आदेश से तोसाली और संपा के राज्याधिकारियों और नगर न्यायाधीशों के लिए निर्देश, कई सहस्र मनुष्य आपके संरक्षण में हैं, आपको इनका स्नेह पाना चाहिए। सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, अपनी संतान के सुख और कल्याण के समान ही इस लोक और परलोक में मैं सभी मनुष्यों के सुख और कल्याण की कामना करता हूँ। किंतु आप इस सिद्धांत की गंभीरता को नहीं समझते। यदि आप में से कोई समझेगा भी तो अनुभूति आंशिक की होगी, संपूर्ण नहीं। समाज में व्यक्तियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्राय किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है और बिना कारण छोड़ भी दिया जाता है और साथ ही और भी लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। आपको आप पक्षपात पूर्ण आचरण का अभ्यास करना चाहिए। किंतु जिस व्यक्ति में ईर्ष्या, क्रोधी स्वभाव, कठोरता, उतावलापन, हट, आलस या शिथिलता जैसा कोई भी दोष है, उसके लिए ऐसा आचरण संभव ना हो पाएगा। आपको इन दोषों से दूर रहना चाहिए। इन निर्देशों का पालन करने पर आपका भारी हित और पालन ना करने पर उतना ही अहित होगा। भूतपूर्व राजाओं ने जनमानस की प्रगति के प्रयास किए, किंतु उनकी प्रगति ना हो सकी। तो कैसे जनमानस के मन में धर्म के प्रति रुचि जागे और आस्था जन्मे? धर्म निष्ठा द्वारा कैसे मैं उनकी प्रगति कर सकूं? मैं उन्हें धर्मोपदेश सुनाने की व्यवस्था करूंगा। लाखों जन के बीच राजू का नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे जनमानस में धर्म के प्रति आस्था जगाएं। मेरे धर्माधिकारी सभी संप्रदायों के बीच कार्य कर रहे हैं। ये और अन्य कई मुख्य अधिकारी मेरी
और महारानी की ओर से दान दक्षिणा वितरित कर रहे हैं। इस प्रकार धर्म की ख्याति विश्व भर में फैलेगी और इसकी पुष्टि होगी दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, करुणा और सदाचार के रूप में। यह सब मैंने इस कारण किया है कि मेरे पुत्र पौत्र और जब तक सूर्य चंद्र गतिशील हैं, जनमानस धर्म का पालन कर सकें। सम्राट प्रियदर्शी के आदेश से धर्मोपदेश का यह शिलालेख स्थापित किया गया। अब यहाँ किसी भी प्राणी की हत्या करने या बलि चढ़ाने की अनुमति नहीं है। यद्यपि कुछ उत्सव सम्राट प्रियदर्शी को मान्य है, फिर भी उत्सवों में निहित अधर्म के कारण उनके आयोजन की अनुमति नहीं है। महाराज की जय हो। कल्याण हो। कैसे हैं राधा गुप्त? मैं तो ठीक हूं महाराज, किंतु आपका स्वास्थ्य गिर गया है। अरे नहीं, पाटलिपुत्र के क्या हाल हैं? आपकी प्रतीक्षा में है महाराज, अब तो वापस चलिए। चलते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा विश्राम कर लो, ये लोग भी विश्राम कर लें, अश्वों को भी चारा पानी मिलना चाहिए। जी महाराज। महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके आदेशों का क्या करूं। पालन करो और क्या। किंतु महाराज आपने तो आधा सैन्यबल ही हटाने का आदेश दिया है, और वो भी सीमावर्ती क्षेत्रों में। ये तो संकट को बुलावा देना हुआ महाराज, नैतिकता के बल से विद्रोहियों को दबाया नहीं जा सकता। कलिंग में शक्ति का तांडव करके देख चुके हैं हम, क्या मिला हमें? व्यापार के लिए आवश्यक मार्ग की सुरक्षा और एक अत्यंत उपयोगी राज्य जिसकी रक्षा के लिए हर समय भारी सैन्य बल आवश्यक है कि विरोधी उसे वापस न ले लें, इसे तुम विजय कहते हो? नहीं राधा गुप्त, बहुत हो चुका शक्ति प्रदर्शन, दूसरे उपाय भी हैं। महाराज तो फिर सेना की आवश्यकता ही क्या है, उसे भी हटा दीजिए। सेना रहेगी प्रतिरक्षा के लिए, आक्रमण के लिए नहीं। किंतु महाराज कभी कभी आक्रमण आवश्यक हो जाता है। जब विरोधियों को यह सूचना रहेगी कि इस नैतिक बल के पीछे सैन्य बल भी है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। ये सब इतना आसान नहीं होगा महाराज, ये सहनशीलता की शिक्षा, संप्रदायों के बीच में समानता की बातें, ये नई नई समस्याएं खड़ी कर रहा है। कौन अपने विशेष अधिकारों को खोना चाहेगा? विशेषाधिकार किसने दिए, किसने किसको दिए, स्वयं ही बांट लिए आपस में? किसे भय लगता है समानता से? वैदिक लोगों को, बौद्धों या जैनियों को? राधा गुप्त, इस प्रवास में दूर दूर तक भ्रमण किया है मैंने, और जाना है कितना विशाल साम्राज्य है ये और कितना विभिन्न, इसी में इसकी शक्ति है। किंतु हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए जो इतने बड़े साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांध कर रख सके, मनुष्य और मनुष्य के बीच अटूट संबंध बना सके। और यह शक्ति सैन्य शक्ति नहीं, धर्म शक्ति ही हो सकती है। चलो राधा गुप्त, बहुत काम करना है, समय कम है, यात्रा बहुत लंबी है। अच्छा, भारत को एक सूत्र में बांधने और एक संगठित राज्य की स्थापना करने की कल्पना को साकार करने की कोशिश सबसे पहले अशोक ने ही की, और वो भी किसी व्यक्ति की सामाजिक जरूरतों और अरमानों का दमन किए बिना।
धम्म की नीति सामाजिक व्यवहार के बारे में थी। उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि सारी जनता बौद्ध धर्म अपनाए। ये एक प्रयास था मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने का और परस्पर सद्भाव और भाईचारा फैलाने का, और इसीलिए ये उचित ही है कि स्वाधीन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ पर बने चार शेर और चक्र। सिंघल द्वीप जाओ, लंका नरेश को मेरा यह संदेश देना, कहना बोधि वृक्ष से ही जन्मा यह नन्हा सा पौधा मैंने उपहार स्वरूप भेजा है। यह उनके प्रति मेरे स्नेह का प्रतीक है और प्रतीक है इस विश्वास का कि वो अपने देश में धर्म का प्रचार करेंगे। संघ मित्रा, तुम साम्राज्य की सीमा के पार पूर्वी देशों में जाओ और धर्म का ऐसा प्रचार करो कि पूरे विश्व में शांति का संदेश फैल जाए। जाओ। अशोक की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य बिखर गया और भारत में साम्राज्यवादी शासन का पहला प्रयोग 180 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। बाद की सदियों में भी कई कोशिशें हुईं, मगर हालात कभी इतने अनुकूल नहीं थे। इसकी वजह थी राजा और प्रजा के बीच आए जमींदारों और सामंतों की बढ़ती शक्ति। बंजर जमीन पर खेती के फैलाव के बावजूद भी राजा को मिलने वाली चुंगी और कर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि सामंत और सरदार इसका एक बड़ा हिस्सा बीच में ही हथा लेते थे। इस वजह से राजा के पास कुशल सेना और हथियार जुटाने के साधन भी कम हो गए। साम्राज्य स्थापित करने के मंसूबों में तो कोई कमी नहीं आई, मगर पहले साम्राज्य की स्थापना के पीछे जो महत्वाकांक्षा और उत्साह थे वो दोबारा कभी सामने नहीं आए। मगध साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पश्चिम से बार बार हमले हुए, जिनकी वजह से हिंद आर्य सभ्यता का केंद्र दक्षिण भारत बन गया। न सिर्फ विद्वान बल्कि कलाकार, कारीगर और शिल्पकार भी मगध को छोड़कर दक्षिण भारत में बस गए। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। महता हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान।
जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर। व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर। सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।